नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी दुमका की, जहां मुख्य सड़क पर दर्जनों से अधिक संख्या में ओवरलोडिंग डंपर निडर होकर सड़कों पर दौड़ रहे हैं। साथ ही बात होगी फरुखाबाद की, जहां समाजवादी पार्टी युवजन सभा के जिला सचिव नितेश कुमार जोशी ने बीजेपी पर निशाना साधा। आगे बात करेंगे महाराजगंज की, जहाँ सिसवा में विद्युत विभाग के जेई के ट्रांसफर का आंदोलन भूख हड़ताल में बदला। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। खबर दुमका से है, जहाँ राजधानी दुमका के अंतर्गत हंसडीहा थाना क्षेत्र के दुमका हंसडीहा मुख्य सड़क में दिन के उजाले में ओवरलोडिंग डंपर निडर होकर सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। ये भी बता दें कि जिले के उच्च अधिकारी ने अवैध ओवरलोडिंग पर अंकुश लगाने के साफ निर्देश दिए हैं, लेकिन उच्च अधिकारी के निर्देश का कोई असर होता ही नहीं दिख रहा है, जिसमें दुमका हंसडीहा मुख्य सड़क ध्वस्त होती जा रही है। वहीं प्रशासन जानकर अनजान बनी हुई है। ये बता दें कि दुमका हंसडीहा मुख्य सड़क पर इतने ओवरलोडिंग डंपर ट्रक में गिट्टी लादकर चल रहे सड़कों पर कई जानलेवा गड्ढा बन गया, जिससे बड़ी दुर्घटना होने की आशंका बनी हुई है। ओवरलोडिंग डंपर निडर होकर हंसडीहा थाना क्षेत्र होते हुए सीधे बिहार जा रहा और सरकार का राजस्व चोरी करने में सफल हो रहे हैं। आपको बता दें कि एक चालान काटकर दो टिप और तीन टिप लगा रहे ट्रक, ऐसी सरकार को चुना लगा रहे अवैध कारोबारी, लेकिन प्रखंड प्रशासन चुप्पी साधे हुए। दुमका से सी न्यूज संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। खबर फरुखाबाद से है, जहां समाजवादी पार्टी युवजन सभा के जिला सचिव नितेश कुमार जोशी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बीते दिन उखरा ग्राम पंचायत के 29 ग्रामीणों के आवासों पर बुलडोजर चलवाकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो भ्रष्टाचार किया वह बहुत ही गलत है। उन्होंने कहा कि सरकार ने ग्रामीणों के साथ घोर अन्याय किया है, उनकी इस कार्रवाई से दर्जनों परिवार बेघर हो गए हैं। युवजन सभा के जिला सचिव ने कहा कि समाजवादी पार्टी उनके साथ है, जब तक उन्हें न्याय नहीं मिला तब तक मैं उनके साथ रहूंगा। खाना और रहने की व्यवस्था का आश्वासन के साथ ही हमेशा उनका साथ देने की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं यह भी बताना चाहता हूं कि सरकार किसी बात का नहीं है। जो आप किसी के साथ अन्याय कर रहे हो, सरकार ने कोर्ट का आदेश नहीं माना, फिर यह किसकी बात मानेगी। राशन पानी की व्यवस्था करके आया हूँ और उनके साथ रहने का आश्वासन भी दिया है। समाजवादी पार्टी उन्हें न्याय दिलाने का काम करेगी। नाम है आपका? नितेश कुमार जोशी। मैं समाजवादी पार्टी से लोहिया बायनी से जिला सचिव। अच्छा। समाजवादी पार्टी से क्या लगता है कि आप जैसे कल उखरा गए थे जी, तो उखरा में आपने क्या देखा, वहाँ पर क्या पीड़ितों के साथ क्या हुआ है? जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो उनके साथ अभद्रता कराई है, जो उनके साथ पीडीए परिवार के लोगों के साथ उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो घर पर बिल्डोजर चलाया है 29 घर के लोगों पर, लेकिन वो बहुत गलत कर रही। भारतीय जनता पार्टी जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानती है तो वो लोग तो रियाते रहे लोगों से। उन्होंने बात की, समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भी पहुँचे वहाँ मौजूद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव भी रहे मौजूद, हमारे पूर्व ब्लॉक प्रमुख राशिद जमाल सिद्दीकी भी रहे मौके पर, लेकिन पुलिस प्रशासन ने या फरुखाबाद के प्रशासन ने कोई उनकी बात नहीं मानी। जब मैं वहाँ पर मौके पर पहुँचा, लोगों से हाल चाल जाना, तो मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि समाजवादी पार्टी आपके साथ है, आपको जब तक आपको न्याय नहीं मिल जाता तब तक आपकी सेवा में रहूँगा और आता जाता रहूँगा सदैव। ये आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं माना? ये इसलिए कह सकते हैं कि सब अखबारों में और न्यूज़ों में आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था 1 तारीख को, तो उन्होंने आदेश नहीं माना सुप्रीम कोर्ट। तो भारतीय जनता पार्टी जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानेगी फिर किसका मानेगी आदेश? जबकि वो तो कह रहे हैं कि वहाँ पे नोटिस भेजा गया था, कुछ सूत्रों से पता चला कि नोटिस भेजा गया था, नोटिस उन्होंने नहीं माना, और उसके बाद में जब वो वहाँ पर प्रशासन वहाँ पर पहुँचा है तो उन्होंने बताया मोहलत मांगी, लेकिन तब उन्होंने मोहलत नहीं दी, लेकिन नोटिस तो उन्होंने भेजा था। नहीं, वहाँ पर कोई नोटिस नहीं दिया लोगों, ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग करा रहे हैं, ये बहुत झूठ पुलिस प्रशासन बोल रहा है। जिसका सत्ता उगता उसी की पुलिस बात मानती है, हर अधिकारी उन्हीं की बात मानती है, लेकिन जो लेडीजों के साथ अभद्रता कर रही है पुलिस प्रशासन, लेडीजों के साथ कैसे अभद्रता हो गई? लोगों को घर में जो रिश्तेदार होते हैं उन्हें भी पकड़ बंद कर रही, उनका कोई कसूर नहीं है, ना वहाँ की जनता का कसूर है, कोई किसी का कसूर नहीं है, लेकिन ये बहुत गलत कर रही है भारतीय जनता पार्टी। वहीं पर ये क्यों हुआ, ऐसा क्या करते? वो तो जमीन सरकारी थी बता रहा है।
वो जब 50 साल पहले से मकान बने हैं, जो पट्टा हुआ, जो प्रधान से जबरदस्ती करा के उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जबरदस्ती करा के उन्होंने वो पट्टा पहले कराया था, 70 साल पहले पट्टा हुआ, तो वो कैंसिल करा के फिर मकान खसवाए गए उनके। मतलब आपका पूरा पूरा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ये सब करवा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ फर्रुखाबाद की जनता उनके साथ है, पीड़ित परिवार के साथ, और हमेशा साथ रहेगी। समाजवादी पार्टी उनके साथ है और हमेशा उनके साथ रहेगी, उन्हें न्याय दिलाने का काम करेंगे। हम सभी भाई, डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव जी, राशिद जमाल सिद्दीकी जी, आपका भाई नीतीश कुमार जोशी, सदैव उनके साथ रहेंगे। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर एक लास से है, जहां नगर में श्री रामलीला महोत्सव के तहत 2 दर्जन से अधिक आकर्षक झांकियों के साथ भगवान श्री राम की भव्य बारात निकाली गई। राम बारात में ढोल नगाड़ों के अलावा श्री राम के भक्तिमय ध्वनि में मधुर गानों के साथ डीजे साउंड व बैंड बाजे में जगमगाती रोशनी अति शोभायमान दिखाई दे रही थी। श्री राम बारात का नगर में जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ भव्य स्वागत हुआ। राम बारात में कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह, अपराध निरीक्षक सुभाष सिंह कटेरिया, उप निरीक्षक कृष्णपाल सिंह, महिला उप निरीक्षक रुचि तोमर, उप निरीक्षक अवधेश धाकड़, उप निरीक्षक एवं कस्बा इंचार्ज दानवीर सिंह, हेड कांस्टेबल पुष्पेंद्र कुमार, कांस्टेबल केपी सिंह आदि मौजूद थे। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से है, जहां सिसवा उपकेंद्र में तैनात जेई के क्रियाकलापों को लेकर बुधवार को नगर के सभासद प्रतिनिधि राजन विश्वकर्मा, भाजपा नेता धर्मनाथ खरवार सहित युवा वर्ग द्वारा शुरू किया गया। क्रमिक अनशन गुरुवार को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बदल गया। आंदोलनकारियों ने जेई पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाते हुए ट्रांसफर कराने जाने की मांग की। सुनिए आंदोलनकारियों की जुबानी। धर्मनाथ है, मैं भाजपा का नेता हूँ। आपने, आपके माध्यम से कल भी हम लोगों ने जो भी सूचना देना था प्रदेश तक गया। सबसे बड़ी मांग यही है कि भाई सिसवा नगर का जो बिजली विभाग है, खंड है, कैसे सुधरेगा। अगर हम पूर्व में भी कई बार पत्र के माध्यम से, मैंने खुद पत्र लिखा था, एसी साहब के ऑफिस में जाकर रिसीव कराया कि सिसवा खंड में जनता के लिए काम नहीं हो रहा, जनता की समस्याओं को दूर करने के बजाय उनको लटकाया जा रहा है, उनको और समस्या पैदा किया जा रहा है। समस्या पैदा करने के पीछे आप भी जानते हैं कि जब जब किसी की समस्याएं आएंगी, और बिजली सबसे महत्वपूर्ण जीवन की चीज़ें हैं, क्योंकि जीवन के लिए अगर पानी हवा जरूरी है, उसी तरह आज के लिए बिजली है। क्योंकि गर्मी के दिन बच्चों को अगर बिजली नहीं मिलेगा तो पढ़ने में और सोने में तकलीफ होगी। घर में बुजुर्ग हैं, उनको ऑक्सीजन का पाइप दिया जा रहा है, अगर बिजली रहता है तो ऑक्सीजन का पाइप भी आसानी से मिल जाता है। मगर यहाँ पर मैं अधिकारियों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यहाँ के अधिकारी के अंदर मानवता मर गया है। लोग 4-4 महीने बिजली के कनेक्शन के लिए, तार गिरने के लिए, लाइट के लिए लोग दौड़ रहे हैं, मगर अधिकारी के कानों में जू नहीं हो रहा, क्योंकि इनको सिर्फ कहीं ना कहीं पैसे के पैसा दिख रहा है कि अगर पैसा मिलेगा तो उनका काम होगा। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, अभी नई कॉलोनी बनी है, वहाँ पर खम्भा नया तार पहुँच गया, मगर हमारे पुराने जो वार्ड के बिजली के खम्भे जो बल्लियों पे चल रहे हैं, तार लटक रहे हैं, वहाँ पर आज भी बल्लियों के भरोसे तार चल रहे हैं। वार्ड नंबर 21 में जाइए, अंदर तारों पर बिजलियाँ लटकी हुई हैं, कभी भी खतरा हो सकता है, मगर इस पर किसी अधिकारियों का ध्यान नहीं है। यही मांगे हैं कि अगर इसी तरह का रवैया रहेगा तो सिसवा बाजार के लोगों को सहूलियत नहीं मिलेगा। हमारी सरकार केंद्र और प्रदेश में जनता को गरीबियों से उठाने के लिए सारी योजना जमीन पर ला रही है। जिनके घर में बिजली नहीं पहुंचा था, हमारी सरकार दीनदयाल योजना के माध्यम से पोल पहुंचाकर बिजली देने का काम, मुफ्त में देने का काम किया है। मगर हमारे जेई महोदय हमारी सरकार की योजनाओं को विफल करने में दिन रात लग रहे हैं। हमको तो लगता है वो किसी दल से मिले हुए हैं, क्योंकि आज देख रहे होंगे कि जो भी घटनाएं अगर इस तरह की हो रही है, कहीं ना कहीं सोझे ढंग से किया जा रहा है। इसलिए मांग करते हुए इनके धरना प्रदर्शन में जब भी चलेगा, जब तक चलेगा, मैं भी इनके साथ हूँ और लड़ूंगा। जो भी लड़ाई होगा यहाँ से लेकर प्रदेश तक लड़ा जाएगा। मेरा नाम राजन विश्वकर्मा है, पूर्व सभासद हूँ। यहाँ पे मेरा कल धरना क्रमिक मेरा अनिश्चितकालीन है, भूख हड़ताल है, जेई को हटाने को लेकर है। सही से काम नहीं होता है जनता का, एक कनेक्शन के नाम पे महीनों दिन क्या सालों भर दौड़ना पड़ता है, कहीं ट्रांसफार्मर जल जाता है तो सरकार का आदेश है 24 घंटा में बदलने के लिए, यहाँ कई महीना हो जाता है। जैसे सबूत के तौर पे ये लोग भाई लोग गांव से आए हैं, पूछिए इन लोग से, इन लोग के गांव में कितने दिन से अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं लगा है। इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं जेई से मांग किया था, काम कराने नहीं किए, इसी कारण के वजह से मैं बैठा हूँ कि इनको हटाया जाए, किसी अच्छे जेई को यहाँ पर लाया जाए।
महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमार कनौजिया की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।